ठीक है, तो ये हल्का जनाजा और भारी जनाजा, अरे अखल का पैमाना भी है। अगर दुनिया में इंसान 80 किलो का रहा होगा, दुनिया में इंसान 40 किलो का रहा होगा, जनाजे में फर्क तो पड़ेगा ही ना, 80 kg and 40 kg। और एक वेट जो जिंदा हो और एक वेट जो मुर्दा हो, जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आदमी जो जिंदा हो वो एक्टिव रहता है, जिसके वजह से उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, और एक आदमी जब मर जाओ ढीला छोड़ दे। आप देखिए, एक इंसान है, एक इंसान है, ठीक, एक इंसान है, और अपने बेटे से वो गले मिला, गले मिलके उसने बेटे को उठा लिया। एक इंसान, एक बाप ने अपने बेटे को गले मिला और उठा लिया, एक भाई ने दूसरे भाई को उठा लिया। लेकिन अगर यही भाई बेहोश हो जाए तो उसको दवाखाने ले जाना, तो आप ऐसा उठा के, और फिल्मों में बताते आसानी से, बहुत इम्पॉसिबल जैसा हो जाता, हर आदमी उठा भी नहीं सकता। 40 किलो 50 किलो 60 किलो आप नहीं उठा सकते, ऐसे डेड वेट है। 40 किलो का थैला और 40 किलो के बच्चे में फर्क है, बच्चा उठा सकते हैं, 40 किलो का डेड वेट, 40 किलो का थैला नहीं उठा सकते आप। तो आदमी डेड हो जाता है ना, मर जाता है, वेट छोड़ देता है पूरा। समझ रहे आप बात को? तो डिफरेंस है ये। अब आदमी जिंदा था तो कितना वेट का था, मरेगा तो जाहिर सी बात होगा, जनाजे का वेट भी काउंट करना पड़ेगा उसको। जनाजे भी हल्के भारी होते, लोहे के होते, अल्मीनियम के होते, लकड़ी के होते, कुछ लकड़ी के अंदर बांबू के होते, हल्के होते, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, खबर धस गई तो बोले बुरा था, खबर नहीं धसी तो अरे कोई पैमाना है ये, तुम खबर में मिट्टी बराबर डालेंगे नहीं, दूसरे दिन धस जाएंगे तो बोलेंगे खबर धस गई, ये कोई पैमाना नहीं। बल्कि ये भी रहता, कफन पूरा आया क्या, अरे अच्छे थे, कफन पूरा नहीं आया, बोले पैर दिख रहे थोड़े, गए। ये कहां से लाते, कुछ समझ में नहीं आता। कफन छोटा कपड़ा लाएंगे तो उसको कहां से आएगा फिर मैयत को? ये मैंने देखा, अरे कफन छोटा हो गया पूरे दुनिया में, अरे कफन छोटा हो गया, देखो ना मर गए, अरे कफन छोटा हो गया। बेवकूफ इंसान, छोटा कफन लाएंगे तो छोटा ही होंगे, और छोटा कफन क्या बुराई की अलामत है? ये कहां से आपने ला लिया? मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह उनको शहीद कर दिया गया जंगी अहद में, क्या हुआ? हदीस में आता है, सर ढकते तो पैर खुल जाता, पैर ढकते सर खुल जाता, चादर एक से ज्यादा नहीं थी सहाबा का, क्या करना? सर ढक तो पैर पे घास डाल दो, नहीं आया पूरा कफन। तो ये सब तवहम, समझते आप, सुपरस्टिशन हमने बांध लिए है। बारिश आई तो बोले बहुत नेक इंसान था। अभी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हदीस आपने नहीं सुनी? सूरज चांद सितारे ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये किसी के मरने से आते और जाते नहीं है। आपके बेटे का इंतकाल हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया सूरज ग्रहण होगा। नबी के बेटे का इंतकाल होगा, सूरज ग्रहण होगा, सूरज ग्रहण होगा, आपने कहा है लोगो, सूरज चांद सितारे अल्लाह की निशानियां हैं, ये किसी के मरने से, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, बारिश बिजली का चमकना, ओलों का गिरना, ये अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह बरसाता है, ये किसी के जीने मरने से नहीं होते। नहीं बोले ओले पड़ गए उनके, उसमें मैं ये जनाजा उठा ही नहीं पाए, बोले देखो कितना बुरा आदमी था, कुछ भी है, ठीक है। अगर वो आदमी नेक था तो फिर बहाना कैसा, ओले इतने पड़े कि चप्पल में फिसल के जनाजा ले रहे, फिसल के चल के कब्रिस्तान तक। ये भी ट्विस्ट भी दे देते हैं आपको, जैसे सिनेरियो क्रिएट करना है, ट्विस्टिंग भी देती है उसके अंदर, समझ रहा। एक जनाजे को लोग हाथों हाथ ले जा रहे, तो हजारों लोग उन्हें तो हाथों हाथ जाएंगे, चार लोग ले जाएंगे तो मुश्किल। अच्छा, तादाद ज्यादा रहे तो बोले नेक इंसान था, ऐसा भी नहीं है। ये तवाहुम है, सुपरस्टिशन, ये सब छोड़ दीजिए। असल वो हुस्न खात्मा है, जिस पर वो मरा, अगर वो मरा तौहीद पर तो यकीनन जो है वो कामयाब रहा, अगर वो मरा बिना तौहीद के तो यकीनन वो चाहे जितना बड़ा इंसान था, जितने लोग शामिल हो, जितना हल्का जनाजा हो, जितने आसानी से गया हो, जितने आसानी दफन हो गया हो, कफन चाहे जितना बड़ा हो गया हो, खबर में जितनी खुशबू आ रही हो, खबर जितनी आसानी से खुदी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो रियल वो मौत है, बल्कि ये तवाहुम है, समझ रहे आप। तवाहुम आम जबान में कहते हैं, ऐसा करे तो ऐसा हो जाता, वैसे ये सब फालतू बातें। और ऐसा भी रहता, मरने के बाद चिड़िया आ गई, कौवा आ गया तो बोले बुरा था, कबूतर आ गया तो अच्छा था, ये भी मैंने देखा। कौन सा चिड़िया और कबूतर आती है वो भी देखते हैं, कौवा था तो बोले बुरे थे। ये सब तवाहुम है, फालतू चीजें, इस्लाम से सब कोई लेना देना नहीं है, ये नेचुरल अकरेंस है, ये होते रहते हैं, आते और जाते हैं, इससे मरने जीने कोई बात नहीं। और थोड़ा नॉलेज अगर साइंस का होना तो ऐसा मसला नहीं होगा, वेटेड दिख रहा, लेस वेट दिख रहा, भाई साइंस के सुनो, दुनिया जानती है, वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा ही, लेकिन कम होगा तो कम, इसका इस्लाम कोई लेना नहीं। हदीस में ऐसा कहीं नहीं आता किसी का जनाजा हल्का था तो आपने कहा जन्नती है, भारी था तो कहा जहन्नुम है, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। किसी ने अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।